नमस्कार दोस्तों, आज हमने तैयार करी है मशरूम की सब्जी। तो हमने ली है मशरूम, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और इन्हें हम कट करके रख देंगे। अब हमने एक पैन में डाला है 6 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। आधा चम्मच हमने इसमें डाला है जीरा और जीरा हमारा चटक चुका है। अब हम इसमें डालने वाले हैं अपने कट करे हुए प्याज। तो प्याज को हम इसमें छोड़ देते हैं और इस प्याज को हम भूनेंगे सिर्फ 2 मिनट तक ही, क्योंकि हमें अपनी सब्जी में क्रंच रखना है तो हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। 2 मिनट बाद हमने इसमें डाली है शिमला मिर्च। तो हमने जो सब्जियां कट करी है उसका आकार एक जैसा रखा है, जिससे दिखने में भी सुंदर लगेगी बहुत। और शिमला मिर्च को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं प्याज के साथ और इसे भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे। प्याज और शिमला मिर्च अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और अब हम लगा देंगे इस पर ढक्कन और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, ये देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है शिमला मिर्च हमारी। अब हम इसमें मिक्स करने वाले हैं अपना कट करा हुआ टमाटर। तो टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए हैं। टमाटर को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं और अभी हमें इसमें बिल्कुल भी नमक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नमक डालने से हमारी सब्जी सॉफ्ट हो जाएगी और हमें हल्का क्रंच रखना है इसमें। और इसे भी हम ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल और टेस्टी सब्जी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। बहुत कम मसालों में हमारी सब्जी तैयार होगी। चेक कर लेते हैं, टमाटर को डाले 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए टमाटर भी हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मिक्स करने वाले हैं अपनी मशरूम को। तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इन सबको हम, और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। तो मशरूम भी इसमें छोड़ देते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि मशरूम में ऑलरेडी जूस होता है, जूसी होती है मशरूम। तो हमें बिल्कुल भी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है और मशरूम को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मशरूम हमारी मिक्स हो चुकी है, इसे भी हम ढक्कन लगा के 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, 4 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह मशरूम हमारी मिक्स हो चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने आधा चम्मच नमक का यूज़ करा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। तो 1 TSP हमने इसमें काली मिर्च डाली है। सिर्फ 2 मसालों से हमारी ये सब्जी तैयार होने वाली है। और काली मिर्च के साथ ही मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के लिए सफ़ेद मिर्च। तो दोनों तरह की मिर्च हमने यूज़ करी है, काली और सफ़ेद। तो आप इसमें ज़रूर डालिए काली और सफ़ेद मिर्च, इससे इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सफ़ेद मिर्च भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे आखिरी में हमने नमक मिर्च इसमें मिक्स किया है और हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, हमारी सब्जी तैयार है और इसे हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में।
तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे भी कर लीजिए। तो ये देखिए ऊपर से हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे रोस्टेड तिल, तो दोस्तों तैयार है हमारी शिमला मिर्च और मशरूम की यमी सी सब्जी। तो तिल को भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी सब्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।